Are you a business owner or an entrepreneur? Then I would suggest that you should watch this video till end because ये आपके ही काम की video है. आजकल जब आप newspaper go through करते हैं या news channel देखते हैं, तो some negative economic news आप लोग go through करते हैं और आप सुनते हैं. आजकल हो क्या रहा है? What news we are getting? हम लोगों का जो economic news is That automobile industry का जो sales है वो reduce हो चुका है. Real estate के जो market है वो slow down हो चुका है. जो share market है वो भी अच्छे से it's not going good actually right now. So इतना सब changes होने के बाद कुछ चीजें जो है policies change होने के बाद what is happening is that yes you as an entrepreneur may be facing problem. And may be realizing कि आज की date में जो हमारा economic wise हम लोग जो है down होते जा रहे हैं. So how to deal with that economic crisis? How to deal with that economic situation जहाँ पर चीजें जो है down होती जा रही हैं. So being an entrepreneur आज एक बहुत important time है जब हमें अच्छे से सोचना है and बहुत important steps लेने पड़ेंगे अपने business के अंदर ताकि हम लोगों का बिजनेस जो है डाउन नहीं हो और हम लोग मेंटेन करके रख सके अपने बिजनेस को. सो व्हाट इज दैट टुडे आई विल बी गिविंग यू सम टिप्स अबाउट दैट. फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेंटेन दैट पॉजिटिव एटीट्यूड. आपको वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा अपने लिए प्लस आपकी टीम के अंदर भी. वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको क्रिएट करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जब इस चीज की जरूरत है. बिकॉज जब पॉजिटिव एटीट्यूड एक कंपनी के अंदर होता है बीइंग अ इंडिविजुअल के अंदर होता है तो चीजें जो है अच्छे से मैनेज हो पाती है. सेकेंड थिंग इज यू हैव टू मोटिवेट योर टीम टू डू बेटर. आपकी अपनी टीम के अंदर आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि यस You also understand and your company, your team also understand कि आज की डेट में कुछ economic crisis है, कुछ दिक्कतें हैं, but yes, once we'll work as a team, we will come out of that. So that is the point basically जो आपको अपनी team के अंदर भी बताना है and वो चीज जो है उस पे काम करना पड़ेगा आपको. Next thing is आपको अपनी team के अंदर हमें क्या करना है इस time पे. हमें अब अपनी टीम के अंदर जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है जो हर काम को लेकर चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो कंपनी के अंदर कोई भी स्टेप्स हो कोई भी डिपार्टमेंट हो उसके अंदर कोई भी टास्क एंड एक्टिविटी हो जो उसके अंदर एक रूटीन में हम लोग जो चलते थे बट नाउ जब क्राइसिस की बात है इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात है नाउ इज द टाइम वी नीड टू बी वेरी मच अलर्ट एंड ऑल्सो हमारी टीम को भी बहुत अलर्ट होने की जरूरत है और करेक्टिव स्टेप्स लेने की जरूरत है हर डिपार्टमेंट के अंदर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज नेक्स्ट थिंग दैट सीनियर टीम एंड द मैनेजर्स जो फ्रंट पर है चाहे वो एचआर चाहे वो मार्केटिंग चाहे वो आपकी डिस्पैच टीम है चाहे वो आपकी सेल्स टीम है एनी टीम विच इज एट द फ्रंट एंड हैज टू बिकम मोर अलर्ट बिकॉज अब छोटी सी भी गलती हमें बहुत दिक्कत दे सकती है. सो वी आर नॉट इन अ पोजिशन कि हम कोई मिस्टेक करें हम कोई ऐसी मिस्टेक करें जिससे हमें कोई और एक्स्ट्रा फाइनेंशियल हमें जो है बर्डन सहना पड़े. ऑल्सो वॉट यू कैन डू इज यू हैव टू दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट टाइम यू हैव टू मेंटेन गुड कस्टमर एक्सपीरियंस विद योर कस्टमर्स. आपको ये देखना है कि आपके कस्टमर्स के साथ आपका बिहेवियर आपकी जो रिलेशन है बढ़िया रहे बिकॉज दिस इज द टाइम छोटी मोटी चीजों के लिए आइदर इट कैन बी प्राइस एनीथिंग स्मॉल थिंग्स के लिए भी आपके क्लाइंट्स आपके कस्टमर्स आपको छोड़कर जा सकते हैं. प्राइस कैन बी वन थिंग कस्टमर एक्सपीरियंस कैन बी वन थिंग क्वालिटी कैन बी वन थिंग सो यू नीड टू बी मोर फोकस्ड कि आप जो है वो गलतियां करने के चांसेस नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज वन हैज टू डू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस. वो चाहे आपके रॉ मटेरियल्स हो वो आपकी मैन पावर हो कुछ भी हो आपकी कंपनी के अंदर आपको अपने रिसोर्सेस को
बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ इज द पॉइंट हमें हर एक जो रिसोर्स को है अच्छे से यूटिलाइज कर इस टाइम का फायदा लेना है, बिकॉज वी आर नॉट इन द कंडीशन कि हमारे रिसोर्सेज को हम यूजलेसली जो है हम उसको खराब कर सके. सो दैट इज द थिंग. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइन ट्यून एंड शार्पन योर इन्वेंट्री कंट्रोल. व्हाटसोएवर इन्वेंट्री कंट्रोल यू आर हैविंग, आपके रॉ मटेरियल्स हैं, आपके फिनिश गुड्स हैं, उसको आपको बहुत ही फाइन ट्यून करना पड़ेगा, उसको आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा. पहले अगर जो है कुछ टाइम पहले तक अगर आपके गोदाम, आपके जो गोडाउन हैं, उसमें काफी क्वांटिटी में सामान रहता था, सो नाउ इज द टाइम कि आप उन जो आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो आपका इन्वेंट्री है, उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखें. एंड संभाल के इन द सेंस अब जो है जो आपके इन्वेंट्री है उसको आपको शार्पन अप करना है, उसको आपको जो है यूटिलाइज करना है, यूज करना है, ताकि मिनिमम से मिनिमम आप लोगों के पास इन्वेंट्री रहनी चाहिए. बिकॉज देयर मस्ट बी लेस ऑर्डर्स, देयर मस्ट बी लेस बिजनेस दीज डेज कमिंग फ्यू डेज. ऑल्सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन वर्क ऑन प्राइस नेगोशिएशन. होता क्या है, जब बिजनेस बढ़ता है, जब बिजनेस, जब इंडस्ट्री अच्छे इकोनॉमिक जो है वो हमारा जो है अच्छे स्केल पे चल रहा होता है, तब हमें जो है हम उसमें बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं करते कि हमारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस या हमारे और भी प्राइसेस, जो ऑपरेशनल खर्चे हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है वो क्या रेट पर आ रहा है. बट नाउ इज द टाइम यू नीड टू बी वेरी मच फोकस्ड कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है, हर वो कॉस्ट, चाहे वो आपकी पैकेजिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका फ्रेट से रिलेटेड हो, हर प्राइस को, दिस इज द बेस्ट टाइम कि आपको हर प्राइसेस पे काम करना चाहिए टू कट देम आउट. तो आइदर यू, आइदर योर टॉप मैनेजमेंट टीम, योर मैनेजरियल टीम जो है उसको आज की डेट में यू हैव टू डेलीगेट दैट दिस टास्क, कि उनको आप इन सब चीजों पे बहुत काम करने की जरूरत है. बिकॉज इस टाइम पर हम लोग ऑर्डर्स, सेल्स तो जो होगी होगी, बट ये एक्सपेंसेस अगर हम कम कर लेते हैं, इनके प्राइसेस अगर हम कम कर लेते हैं, देन ऑल्सो वील बी एबल टू से इन दिस टाइम जो है हम अपने आप को जो है सस्टेन कर पाएंगे इस टाइम पर जब बहुत ही ज्यादा क्राइसिस है. सो आई सजेस्ट दैट मैनेजमेंट शुड फोकस on getting this done, as it will help you to sustain in this crisis. और अगर आपने इस time पर, इस मंदी के time पर, इस slowdown के time पर इन सब चीजों पर काम करा, तो definitely जब जो ये slowdown है, इससे हम उभरेंगे, हमारी industry उभरेगी, हमारा जो है हमारी country उभरेगी, then definitely चीजें फिर smooth हो जाएंगे. Because हर चीज हमेशा के लिए नहीं रहती है, हमेशा अप्स एंड डाउन्स बिजनेस के अंदर आते हैं, हमेशा अप्स एंड डाउन्स प्राइसेस आते हैं. सो नाउ इज द पॉइंट जब आपको, आपकी टीम को बढ़िया से काम कर, एक साथ काम कर, टीम वर्क में काम कर जो है अपनी कंपनी को, अपनी इंडस्ट्री को संभालना है. सो नाउ बी वेरी पर्टिकुलर कि आप क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, be very particular कि आप क्या purchase कर रहे हैं, and be very particular कि आप क्या sell कर रहे हैं. तो ये सब चीजों पे आज बहुत important time है, क्योंकि ये tough time चल रहा है, तो हमें सभी aspects पे काम करने की जरूरत है if you are an entrepreneur. तो please take benefit of this slow time, जो ये हमारा जो डाउन टाइम चल रहा है, जो हमारा क्राइसिस चल रहा है, इसका आप बेनिफिट लीजिए एंड टेक मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस.